और चीज़ें करनी थी, सूचनाएं और ये सब वो सब देखना था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद और सर्वसहमति के फैसले के बाद हम सभी मिलजुल कर सम्मान में आदर करते हैं इस फैसले का। किसी प्रकार का उत्साह, जश्न व विरोध का हिस्सा ना बने, ये पहले भी मैंने अपील करी थी, मैं ये अपील दोहरा रहा हूँ। आपसी भाईचारा, संयम, अमन चैन, शांति, सद्भाव हम सब बनाए रखें। ये प्रदेश हमारा है, हम सभी का है। कुछ भी होए, हमारा प्रेम, हमारी मोहब्बत, हमारा भाईचारा, हमारा आपसी सौहार्द खराब ना होए, ये मैं सभी की जिम्मेदारी मानता हूँ। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रदेश देश भर में ये सुख शांति और अमन चैन का एक फिर से उदाहरण बनेगा। मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा सुबह हुई थी, जिन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, केंद्र सरकार तैयार है और राजी है। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रबंध, हम सब ने कई दिनों से पुलिस विभाग ने, प्रशासन ने मिलकर इसे बनाया, पूरी तैयारी है। अभी तक कोई ऐसी घटना की सूचना नहीं आई। 5-6 छुटपुट घटनाएं, उनमें से एक आध तो ऐसी है जिसका फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई संबंध नहीं, आ रही है, पर अभी तक पूरी तरह से प्रदेश में शांति है। कांग्रेस कार्य समिति ने बयान दे दिया है और वही कांग्रेस का स्टैंड है। तो स्पेशल डेवलपमेंट क्या है कल जीत का दिन है? पुलिस जैसा उचित समझेगी कल के लिए वो करेगी। पुलिस ने चर्चाएं में है हर समाज के साथ कि क्या प्रबंध किया जाए, और जैसे पुलिस उचित समझेगी ये पुलिस के ऊपर है। पर पूरी व्यवस्था कल के लिए, आज के लिए, परसों के लिए पुलिस विभाग ने करी है। आपने कल के भी कार्यक्रम तो आपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, कि आपने कल के भी कार्यक्रम स्थगित कर? आप इंदौर नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं इंदौर जा रहा, मैं यहीं रहूँगा। और आज मुझे मंडला और जबलपुर जाना था, वो भी मैंने स्थगित कर दिया। ये पुलिस तय करेगी कि कैसा प्रतिबंध रहेगा, अगर प्रतिबंध होगा, अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, ये सब पुलिस का कार्य है। 40 दिन की मैराथन लगातार सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, आप ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान का एक बड़ा पुराना विषय जो बार बार टेंशन की वजह बनता था खत्म हुआ, फैसला सामने आया? देखिए, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में सालों से था, ये कोई नया मामला तो है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व पूरा किया, अपना दायित्व का सम्मान किया, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सर्वसहमति का ये फैसला है, ये कोई विवादित फैसला नहीं है जजों में। आपको क्या लगता है कि विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया? हाँ, ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया राम मंदिर? सब दलों ने ये पहले से कहा था, सालों से कह रहे थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सब दल, पूरा देश इसे स्वीकार करेगा। ये मंडे को स्कूल कॉलेज की छुट्टी दी जाएगी? ये कल किया जाएगा, ये कल करेंगे हम बैठ के। सर, आप मानते हो कि इस इतने बड़े मसले को, इतने बड़े विषय को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ और हमेशा मैंने कहा है, धर्म एक राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म को हम राजनीतिक मंच पर नहीं ला सकते।